ये राम मंदिर है, ये चबूतरा हो गया, एक दो तीन मिल गया क्या ये? अगर बत्ती वगैरह तैयार रखेगा, दक्षिणा वगैरह तैयार रखेगा, कितना बुरा लगता होगा ऊपर वाले को। मंदिर निर्माण की शैली देखते हैं यहाँ पे, ये राम मंदिर है, ये किस शैली में है? नागर शैली में। राम मंदिर किस शैली में? नागर शैली में। देखिए नागर शैली में सबसे पहले ये जगती होता था, यहाँ देखिए ये पहला सीढ़िया जो होता था ना, इसको जगती कहते थे। क्या कहते थे? जगती, जगती। अब फिर एगो चबूतरा होता था, अब फिर पीठ नामक एगो सीढ़ी होता था। क्या होता था? पीठ। जगती, चबूतरा, पीठ। जगती क्या था? सीढ़ी। पीठ क्या था? सीढ़ी। देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे जगती हो गया, ये चबूतरा हो गया, ये पीठ हो गया, तो उतना भी नीचे का चीज नहीं देखना। अब यहाँ देखिए तीन को बिल्डिंग दिखेगा, एक दो तीन, ये सब वेटिंग हॉल है। क्या है? वेटिंग हॉल। एक दो तीन मिल गया, क्या ये? वेटिंग हॉल। वेटिंग हॉल है, इसे कहा जाता है मंडप, क्योंकि भीड़ लगेगा तो मंडप में लोग इंतजार करेंगे। अच्छा चप्पल उप्पल कहाँ उतारेंगे? जगती, चप्पल, जगती। अच्छा चबूतरा पे चढ़ के खोजेगा, ए बाबू हो चलो हो, छोटका कहाँ गई? तो चप्पल कहाँ उतारेगा? जग, खोजेगा कहाँ? सब सब जन को हाथ पकड़ के चलियो, क्यों छोड़िया ना, कुछ हो जाए हाथ मत छोड़ेगा, चलो हो। अब उसके बाद चबूतरा पे चढ़ेगा पीठ, और पीठ के बाद मंडप। हाँ मंडप, अगर बत्ती वगैरह तैयार रखेगा मंडप, दक्षिणा वगैरह तैयार रखेगा, एकदम रेडी है दर्शन के लिए, बड़का मंडप एकदम रेडी है, चलो हो एकदम पूजा पाठ मांग, आज भगवान से जो मांगना है मांग लो। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा घटले रहता है लोग का, कितना बुरा लगता होगा ऊपर वाले को, जब आता है तो मांगने ही आता है, कभी मिलने भी आया कर। समझा कितना तकलीफ लगता होगा? आपका कोई रिश्तेदार दो बार आपसे अगर कोनो सामान मांग देगा, पड़ोसी ना, प्याज है हो, अगले दिन कहेगा कर घटले रहता है, ए अदरक लो ना, तीन चार बार बाद आप उब जाएंगे। समझा गया कि नहीं? सोचे हैं कभी कैसा उब जाता होगा भगवान, यार तीन भर कर्म तो नहीं कांडे करता है ये, आता है तो एकदम शरीर बन के मांगता है कि भगवान कट ऑफ के पार रखियो बस। बस कट ऑफ के पार रखियो, मिलने भी जाया करो कभी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जाके बस मिल लिया कीजिए कि जो दिए हैं पर्याप्त है, उतना में खुश हैं, सुख या दुख आप ही दीजिएगा जो आपको बुझाए, जाते हैं हो गया। हम समझा गया कि नहीं आ गया? समझा गया कि नहीं? कभी भगवान को उब जाते होंगे वो भी। अब इसके बाद ये देखिए बड़ा सा ये जी, इसको कहते हैं शिखर। क्या कहेंगे? शिखर। बड़ा सा ये क्या है? शिखर। शिखर के ऊपर आमलक, शिखर के ऊपर आमलक, आमलक के ऊपर कलश, आमलक के ऊपर कलश, कलश के ऊपर ध्वज, कलश के ऊपर ध्वज। इसे कहा गया नागर शैली।